दोस्तों स्मार्ट वॉच तो आजकल हर बंदा जो वो खरीदता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको स्मार्ट वॉच प्रॉपर्ली कनेक्ट करना नहीं आते अपने फ़ोन के साथ, किस तरह से अपने वॉच को प्रॉपर्ली कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद आपके सारे वॉच के फीचर्स जो वो अपने फ़ोन के साथ जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप वॉच को जो वो यूज़ करेंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करने पहले आपको ये भी बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर टेक्निकल से रिलेटेड और मोबाइल टेक से रिलेटेड के साथ साथ ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्लान और आप देख रहे हैं वेस्ट टेक न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको स्मार्ट वॉच का प्रॉपरली कनेक्ट करने का जो सही तरीका है वो बताने वाला हूं। तो सिंपली आपको सबसे पहले ब्लूटूथ में आ जाना, अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में ऑन करना है। उसके बाद आपको इस तरह से आपका जो भी वॉच का मॉडल होगा, मेरे पास जो आज वॉच है वो i7 Pro मॉडल है, तो इसको किस तरह से प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे दोस्तों को i7 Pro के साथ जो वो मसला हो रहा है कि ये वॉच जो वो फ़ोन के साथ पेयर नहीं हो रही प्रॉपरली, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है i7 Pro का, तो आप इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद ये पेयर डिवाइस में ऑप्शन आ जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों को ये लगता है यहाँ से कि ये जो वॉच है ये कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि ये सेटिंग में जाएंगे देखें आपको यहाँ से अनपेयर का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और लोगों को ये लगता है कि वॉच जो वो कनेक्ट हो चुकी है फ़ोन के साथ, लेकिन अब आपको यहाँ से स्वाइप करना और यहाँ पर वॉच के ऊपर एक ब्लूटूथ का ऑप्शन जो वो आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बहुत सारे दोस्त जो वो ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से वॉच जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देती। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद अब देखें ये ऑन होने के बाद इस तरह से ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली फ़ोन के ऊपर जो है वो पेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉच ऑडियो के साथ कनेक्ट हो चुकी है, वो कॉल्स और ऑडियो। और इसके बाद यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद आपको ये दोनों चीज़ें भी लाजमी चेक कर लेनी है कि ये कॉल्स और ऑडियो का ऑप्शन जो है वो ऑन हो चुका है आपका कि नहीं। बहुत सारे दोस्तों का ये जो ऑप्शन है वो कॉल का और ऑडियो का ऑफ होता है, जिसकी वजह से आवाज़ वगैरह नहीं आती और कॉल वगैरह जो आपके फ़ोन पे सॉरी आपके वॉच पे नहीं आती, आपके फ़ोन पे जो भी कॉल आ रही है वो आपकी वॉच के ऊपर नहीं आती। सो गाइस यहाँ से कनेक्ट करने के बाद आपकी कॉल और जो नोटिफिकेशन वगैरह वो ऑन हो जाएंगे। अब इसके बाद आप किस तरह से अपने फ़ोन के ऊपर जो अपने वॉच के वॉलपेपर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसकी एप्लीकेशन जो वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं, हर एक वॉच की अलग से अलग एप्लीकेशन होती है। तो i7 Pro में आपको इस तरह से ये QR कोड मिल जाएगा, आप इसको स्कैन करके प्ले स्टोर में चले जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका जो ऐप है वो शो हो जाएगा। नहीं तो इसके अलावा आपको यहाँ पर ऊपर मॉस्फेयर के नाम से नाम शो हो रहा है, ये इसकी एप्लीकेशन का नाम है। तो सिंपली प्ले स्टोर में इसकी ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सेटिंग जो है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है मॉस्फेयर के नाम से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से एग्री पर क्लिक कर देना है, यहाँ से अलाउ कर देना, जितने भी ऑप्शन आपको मिलेंगे कि कॉल मैसेज वगैरह के नोटिफिकेशन वगैरह के जो एक्सेस होती है उसको आपको अलाउ कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, जीमेल के थ्रू भी, और यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करके जो है डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो वो अकाउंट है जनरेट हो जाएगा आईडी पासवर्ड जो, और यहाँ से आपको 5 सेकंड का टाइम दे देगा और ख़ुद ब खुद इसके बाद आपको यहाँ से ये डिटरमाइन पर क्लिक कर देना इस तरह से यहाँ से फिर से, और उसके बाद यहाँ से कोई भी निक नेम 4 वर्ड्स का आपको रख लेना। तो मैं यहाँ से इस तरह से 4 वर्ड ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से डिटरमाइन पर क्लिक कर, और उसके बाद यहाँ से दोबारा से डिटरमाइन पर क्लिक कर देना। उसके बाद गो सेट पे ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ से नीचे मॉस्फेयर की एप्लीकेशन सामने नज़र आ रही होगी, इसके आगे वाला ऑप्शन जो है आपको ऑन कर देना इस तरह से, यहाँ से अलाउ कर देना और उसके बाद बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद आपको यहाँ से प्रोफाइल में आ जाना है, प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ से सर्च डिवाइस का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगा, इस तरह से ब्लूटूथ जो है वो ऑन हो जाएगी, यहाँ से डिवाइस आपकी सर्च करना शुरू कर देगा। उसके अलावा आपको यहाँ से QR कोड का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, आप इसको यहाँ से अलाउ करके जो अपने QR कोड के ज़रिए जो वो इस वॉच को स्कैन करके भी अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट वॉच को प्रॉपरली कनेक्ट करने का सिर्फ सिंपल यही तरीका है कि आप सिंपली ब्लूटूथ की सेटिंग में जाके कॉल और ऑडियो के ऑप्शन को चेक करें। बहुत सारे दोस्तों का ऑप्शन जो है वो ऑफ रह जाता है, उसके साथ ही साथ प्ले स्टोर में जाने के बाद ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप इसको वॉच फीचर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जब आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।